इधर से देखें आपको थ्रू आउट थोड़ा आप एरियल शॉट अगर दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि इस शॉट से सारे का सारा पैकअप है और यहाँ तजावजात है या पार्किंग कंपनी है और इसकी वजह से सारे के सारे मार रोड की खूबसूरती जो है वो खराबी का शिकार है। ये मलिक साहब ये पाथ मैं बता रहा था ये पाथ 8 फीट तक मेजरमेंट करके दिए है जैसे लॉ भी है कर सकते हैं। अब ये आप डबल से क्या ट्रिपल गुना लगाए गए हैं यहाँ से तो आप बंदा नहीं गुजर सकता। बार जैसे इश्फाक ने कहा ये कानून की अदालतों के फैसले के मुंह चढ़ाने वाली बात है और हमें नजर आ रहा है ये देखिए ये सारी की सारी तजावजात हैं और आपको कहा गया था कि शाम के दौरान में तादाद बढ़ा दें। लास्ट टाइम जो ऑर्डर जज साहब ने किया था कि शाम के तादाद में इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए तादाद बढ़ा दें ताकि तादाद ज्यादा होगी तो सफाई भी होगी ये भी सही होगा। खाबे छाबे चल रहे हैं आपके सामने चल रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं मतलब ये आपके सामने सर देखिए मैं क्या मॉडल है इसमें बताइए। देखिए कुछ मॉडल नहीं है और सीधा सीधा क्या बेहतरी आई है सीधा सीधा एक बात बताएं मुझे आप एक बात बताइए मैं फर्ज कर लें ये खोखा बंद हो गया ओके जल इंतजामिया आई है और बंद कर दिया। मलिक साहब सुन रहे हैं आप ये खोखा बंद हो गया अब इसके बाद ये यहाँ से टेबल्स भी उठाए गए लेकिन ये गाड़ियाँ उसी तरह हैं पार्किंग स्टैंड उसी तरह हैं तो इसका इनिशिएटिव लेने के लिए क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि फौरी तौर पर हुकूमत को डेडलाइन दी जाए कि लॉ है। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि माल लोड को मॉडल लोड डिक्लेयर करने के लिए तीन चीजों तीन इदारों के ऊपर काम जिस जिम्मेदारी सौंपी गई थी पहला पार्किंग कंपनी दूसरा जिले इंतजामिया तीसरा इमारतों को असल हालत में बहाल करना। ट्रांसफार्मर के नीचे पार्किंग पे पाबंदी होनी चाहिए कम अज कम बिल्कुल पाबंदी है। देखे ना ये ट्रांसफार्मर के नीचे मौजब दुनिया में कहाँ होता है जिस तरह आइए मेरे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब ये देख सकते हैं आप ये ट्रांसफार्मर है और नीचे आपको पार्किंग स्टैंड नजर आएगा। ट्रांसफार्मर के नीचे पार्किंग स्टैंड देखा है कभी आपने बताएं मुझे नहीं, ये देखे ना हम यही तो कह रहे थे कि ये जो पार्किंग कंपनी है ये फ्रॉड है ये बच्चा लेते हैं बकायदा लोगों से और इन्होंने बदमाश रखे हुए हैं। ये देखे ना जब राइट अगर ये स्टैंड कायम भी करना है तो इसको ये जगह छोड़ दी जाए उनकी तरबियत ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि कैसे करना है उनको ये भी कंपनी ने नहीं बताया कि उस आधी सड़क पर आधी से ज्यादा सड़क पर कुर्सियां टेबलें तजावजात लगे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये आपके सामने सूरत हाल है। सिर्फ एक गाड़ी यहां से गुजर सकती है सर्विस रोड से ठीक है फुटपाथ को ये कहा गया था कि फुटपाथ पर किसी किस्म के तजावजात नहीं होने चाहिए पैदल चलने वालों के लिए लेकिन इस वक्त फुटपाथ भी बिल्कुल पैक है। बकायदा तौर पर यहाँ पर ये लगा दिया गया था हद लगा दी गई इसके बाहर आप नहीं लगा सकते ये 8 फीट है ये कंपनी के साथ बकायदा अदालत ने बुलाकर कहा था कि इस ये लगाएं हर जगह पे लोगों को पता चले कि आपने इस डिजाइन के साथ पार्किंग करनी है। अब ये देख लें कि ट्रिपल गुना आप कैमरा दिखाए जरा ये येलो वाली दिखाए ये येलो लाइन उसके पीछे मैं दिखाता हूँ ये देखिए ये 8 फीट का एरिया था कहा था कि सारी की सारी पार्किंग इस हिसाब से होगी लेकिन आप देख रहे हो मेरे राइट साइड पे भी सारी की सारी वॉलेशन है। अब मेरा ख्याल है कि ये लगी हैं ये बताएगी ताकि ये थ्रू आउट लगनी थी लेकिन इन्होंने लगाई सिर्फ बाकी कहीं नहीं लगी एरिया तक हो सकती है लेकिन आपने देखा कि उसके बाहर भी लगी हुई है तो ये जिले इंतजामिया डीसी लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है और वो माल रोड को मॉडल रोड डिक्लेयर किया गया था उस हुक्म पर मनोनमल करवाना ही नहीं चाहते। ये राइट पे पार्किंग लेफ्ट पे पार्किंग दरमियान में तजावजात और वो खानसा फरोश बैठे हैं वो जैकेटें लटकी हुई हैं किस जगह मॉडल है जी आपको बताइए मुझे। एक और बात है हम समझ रहे थे कि जो तब्दीली वाले नारे वाले आए हैं ये शायद जज साहब के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे इसको अप्रिशिएट करेंगे हमें देखे ना हमें तो तब्दीली वाली भी कोई नजर नहीं आ रहे कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा आप देख सकते और इधर आइए मेरे साथ। हाँ ये देखिए ये भी वही जगह है ये आप खुद अंदाजा लगा लें ये डेडलाइन है डेडलाइन के बाहर आप कोई चीज पार्क कर ही नहीं सकते और आप देख रहे हैं कि आधा आधा रोड इन्होंने किया हुआ अब आपको पार्किंग कंपनी वाले को कहेंगे तो वो भागा भागा आएगा देखे ये वो नहीं करता ये नहीं करता बल्कि अदालत ने यहाँ तक किया था कि जो लोग रिस्क कर रहे थे उनको कहा गया था उनके खिलाफ 780A के पर्चे दर्ज कराएं प्लाजो वालों को बुलाया गया था कि आप ये चीजें खात्मे के लिए करें। अगर इसके बावजूद अदालत जहाँ पीछे खड़ी है उसके बावजूद अगर ये कुछ नहीं होता तो हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा इंतजामिया है जो DC हैं ये खुद ब खुद लोगों को ये रागिब करते हैं कि आप करप्शन करें आप भत्ता दें। अभी कई लोगों से पूछा है भाई आप बार बार क्यों आ गए हैं तो वो कहते हैं हमारे से कॉरपोरेशन वाले भी मिले हुए हैं। देखें ना ये बुनियादी तौर पर जो कॉरपोरेशन है इसकी जिम्मेदारी है कि कुछ साचा फरोश है कोई गलत बैठा इसको उठाए लेकिन आपको कोई एक चीज में यहाँ पर क्लियर करना कॉरिडोर भी क्लियर नहीं है सारे तजावजात से भरे हैं मेरे साथ कॉरिडोर में हम लोग
इन ये जो लोग इधर इधर फट्टे लगाकर बैठे हैं, ना हम इनके खिलाफ हैं ना हम इनको गलत कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी थी इंतजामिया की, इंतजामिया ने इसको क्लियर करना था और इनके लिए मुतबादल जगह इनको फराहम करनी थी ताकि ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें, लेकिन ना तो इंतजामिया इनको मुतबादल जगह दे रही है। दिखाइएगा जरा, ये तीन लेने लगी हुई है, हालांकि ये डबल भी नहीं लगा सकते, ये दिखाइएगा जरा, ये दिखाइएगा जरा। आप अली अकबर लेन की इजाजत है, अली अकबर सिंगल लेन की इजाजत है ना, हम आपकी अदालत में रोते हैं कि आपके जो अहकामात हैं उसकी सरासर खिलाफ वर्जी की जा रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब जब तक अशफाक कुछ लोगों को और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती, वो बड़े बड़े लोग बिहाइंड द बार नहीं जाते, उस वक्त तक ये अमल सही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, माफी दे देते हैं। अभी जो डीसी आई है इसका काम नहीं है, जो अदालत में आई थी अदालत में बड़े वक्त जवाब। पार्किंग प्लाजो से मतलब सूरत हाल क्या है जी? पार्किंग प्लाजो से मुतल्लिक भी जब ये बात सामने आई कि हुकूमत ने अभी तक पार्किंग प्लाजा क्यों नहीं बनाया, तो मेयर लाहौर ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि उन्होंने माल रोड पर और हाल रोड पर पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए मुख्तलिफ जो उनके इदारे हैं उनको समरियां मूव कर दी हैं और उसके लिए काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अदालत ने यह भी उनको कहा था, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को यह कहा था कि आप हमें बताएं कि किस किस जगह पर प्लाजे बन सकते हैं, तो फिर उस हवाले से ये इकदाम किए जाएँ। देखिए ये काम इंतजामिया का है, ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन फिर बात आ जाती है अदालतों पर। जब अदालतें काम करती हैं तो कहा जाता है अदालतें मुदाखलत कर रही हैं। अब अगर अदालतें मुदाखलत ना करें तो मुझे ये बताइए, 10 मरतबा कोर्ट ने ये कहा है कि फुटपाथ जो है ये क्लियर होने चाहिए। मुझे बताएं कॉरिडोर सारे क्लियर होने चाहिए, फुटपाथ क्लियर होने चाहिए। बाहर देखें ये फुटपाथों की सूरत हाल और अंदर कॉरिडोर की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, चढ़ नहीं सकते। ये देखिए कौन शख्स यहाँ से चढ़ के एंटर होगा, इतनी इंक्रोचमेंट है, इतनी पार्क। मेरे साथ आइए जरा अब्दुल्ला मलिक साहब, यहाँ से मुझे बाहर निकल के दिखाएं। जी जी, अब्दुल्ला मलिक साहब को बाहर निकालते हैं जी यहाँ से, ये आप देख सकते हैं पीट में, तो वो कैसे एंटर होगा, क्योंकि सारी ये इनकी मर्जी, ये भी इन्वॉल्व इसी सूरत में दुकानदार वाले, इनकी मर्जी के साथ ये चौक कर दी गई है। दुकानदार बाद में इन्वॉल्व है, पहले इंतजामिया इन्वॉल्व होती है। अगर इंतजामिया इन्वॉल्व ना हो, हाँ मिलजुल कर, अगर अगर ये अगर ये कोई कम्पनसेशन कोई ये रियायत ले रहे हैं तो मुफ्त में तो नहीं ले रहे, ये इंतजामिया के जो निचले दर्जे के लोग होते हैं उनके साथ मिले होते हैं। अभी आप बुलाएं किसी को डीसीओ को इंक्रोचमेंट खात्मे के लिए, पहले इतला मिल जाएगी, दो मिनट में साफ हो जाएगा। आपको याद होगा आपने तो जहाँ 36 प्रोग्राम किए हैं, अब दोनों तरफ आप देख लें, ये सारी सूरत हाल। अब माल रोड के हम राइट साइड पे खड़े हैं पैनोरामा के साथ, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ इससे ज्यादा बुरे हालात हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि अदालत के अहकाम की इतनी खिलाफ वर्जी हमने कभी भी नहीं देखी, और जब हम ये तय किया था कि इस रोड को मॉडर्न रोड बनाएंगे, लाइटिंग लगाई जाएगी, लोगों को शौर दिया जाएगा, गंदगी पर 1000 रुपया जुर्माना होगा। अभी आप दिखाएंगे कि ये देखिए, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो दिखाए, ये क्या, ये देखिए ये इस पे 1000 रुपया जुर्माना है, कहते हैं इतना पैसा इकट्ठा किया, अभी अभी आपको कोई नजर नहीं आएगा, कोई हमें ऐसे यूनिफॉर्म में कोई जिले इंतजामिया का बंदा नजर आया, कोई ऐसी टीम नजर आई है जो सफाई करने वाले लोगों से पैसे वसूल कर रहे हो? कोई बंदा नजर नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि अदालती हुक्म पर इन्होंने अमल दरामद कोई नहीं किया, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है और अपना टाइम डंग टपाओ प्रोग्राम कर रही है जिले इंतजामिया के, ताकि जब मौजूद जा जब रिटायर हो जाए तो उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही चल जाए। तो देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये सीधी सीधी तोहीन अदालत है, चाहे वो डीसी लाहौर हैं चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर हैं, इनको अदालत ने मुतअद्दिद मरतबा रिटर्न ऑर्डर मौजूद है कि माल रोड को मॉडल रोड बनाना है, तजावजात खत्म करनी है। कुछ लोगों ने अशफाक हमें आगाह किया है कि इंतजामिया के कुछ लोगों ने ये कहा है कि जज साहब तो दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे, जो आपके इधर आओ, ये बच्चे देखें, ये बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे जो है वो चीजें बेच रहे हैं। लाहौर का मुस्तकबिल जो है वो मार रोड पर रीगल चौक के करीब, ये देखें छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथ में कापी पेंसिल और रंग होने चाहिए। बेटा क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला, शकीला पढ़ते हो आप? आप पढ़ते हो किस क्लास में? अलग भी आती है, 1 2 3 आती है, सुनाओ। अलिफ बा ता जीम ज़ा। आपको आती है बेटा अलग भी? आती है, उसको बताओ आती है। आप शकीला कहाँ रहते हो बेटा? कहाँ रहते हो? लाहौर। और क्या करते हो आप सारा दिन? तुरते फिरते। तो आपके अब्बा क्या करते हैं शकीला? काल। हाँ घर रहते हैं। और अम्मी क्या करती हैं? अम्मी काल। किधर रहते हैं, किधर पास ही घर है कहीं?
तो आप इस वक्त इधर क्या कर रही हो? अकेले हो? कोई साथ है आपके? कौन है साथ? क्या जी? पैसे सर मांगते हैं। पैसे मांगते हैं? ये भिखारियों के बच्चे हैं। आप अलमिया देखिए कि वो बच्ची जिसके हाथ में रंग होने चाहिए, और ये अभी आपका कैमरा मैन दिखाए, तो ये जो हमारे वजीर आजम है, वजीर आला है, उन्हें बताना चाहिए कि आर्टिकल आइन के आर्टिकल 25 ए में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, तालीम लाजमी है, तालीम लाजमी है बल्कि कंपल्सरी है, और ना पढ़ाना। अब तालीमी इमरजेंसी पिछले दौर में भी नाफिज की गई, उसका कोई ना हुआ। 25 ए पिछले दौर में भी नाफिज करने की कोशिश की गई, लेकिन लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और ये आपके सुबह मोटर नोटिस लेती है तो लोग कहते हैं ये अदालतें क्यों ले रही हैं? तो भाई रियासत कहाँ है? इसको स्कूल जाना चाहिए, ना कि रात के वक्त जहाँ भीख मांगनी चाहिए। वैसे तो हम सब के लिए शर्म की बात है, मेरा भी यही इतना राइट है कि मैं भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके लिए आवाज़ उठाऊं, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत जिम्मेदार है, वेल्थ पर करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं, इस शहर के जो मेयर है वो जिम्मेदार है। क्या नाम है आपका? अकबर। तो आप शकीला के भाई हो? आपके अब्बा क्या करते हैं? क्या करते हैं? इधर ही मांगते हैं वो सारे, मांगने वालों के बच्चे हैं। मांगने वालों के। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आला तालीम हासिल करें? चाहेंगे ना। क्या वजह है? क्या आप भी जहाँ ये काम कर रहे हैं, आपके दिल करता है कि बच्चों को पढ़ाऊं? हुकूमत वसाइल पैदा करती है, करती है, फिर आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? स्कूल भेजना तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आपके पास स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को, लेकिन लाहौर का मुस्तकबिल तारीकी में है इन बच्चों की वजह से, और इन बच्चों की वजह से हालात जो है वो खराबी का शिकार है। देखें, उनकी बड़ी बहन भी शायद साथ हैं या वालदा साथ हैं, और ये यहाँ के मसाइल हैं। और यहाँ बेकारियों की किस्में हैं बेशुमार, खाना बदोशों की बेशुमार किस्में हैं, और अजीब वगरीब मसाइल हैं, और इन मसाइल की वजह से अब यहाँ इस बाज़ार में कोई जा सकता है जी? क्या हालात है देखें। ये फिर डबल पार्किंग है, ये देख लें, यहाँ कहाँ इंतजामिया? यही तो बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत के बाद इतना ये पेंट करवाने के लिए ये इंक्रोचमेंट खत्म की गई। ये अदालत ने 40 साल बाद इस जो माल रोड की असल शेप, चीफ जस्टिस साहब के नाम एक बैनर भी लगा है यहाँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील है, बैनर दिखाएं कैमरामैन, कि मेहनत कश मिट्टू गोले वाले के कत्ल पर सो मोटो एक्शन लें, और ये बैनर भी लगाए जी यहाँ जी। बिल्कुल हालत। बेटा क्या नाम है आपका? हसनैन। ये कितने की कार देते हो? 20 की। और पूरा पैकेट कितने का देते हो? 400 का। 400 का महंगा नहीं दे रहे जी? लेकिन एक बात अच्छी है, ये भीख नहीं मांग रहा। 300 का गलत बात तो है, लेकिन ये भीख नहीं मांग रहा, अपने हक कलाल के साथ ये गाड़ियां बेचकर अपने माँ बाप के पेट पालने के लिए। लेकिन फिर हमें शर्म आ रही है कि अगर स्कूल जा रहा होता, बड़े होकर अच्छा शहरी बनता। आप बेटा अली पे आती है आपको जी? सुनाओ। अलिफ बे पे ते से जीम चे हे के दाल जाल दाल 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 जाल रे अड़े जे सीन शीन सा जा ता तोए गए ऐन गैन पे काफ क्याफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है। और ए बी सी आती है जी? सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप पढ़ते नहीं? ज़हीन बच्चा है। पढ़ता है। स्कूल जाते हो जी? किस स्कूल में जाते हो? रमान गर्ल्स हाई स्कूल। कितने बजे क्लास होती है आपकी? 8 बजे। आप रोज जाते हो जी? छुट्टी तो नहीं करते? इतवार को छुट्टी होती है। इतवार को छुट्टी होती है जी। तो ये फिर बेचते किस टाइम? रात को ड्यूटी करते हो जी? कितना कमा लेते हो? 400 कमा लेता हूँ। किसको देते हो? पापा को घर जाग देता हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा लाइट और ब्लू में बेचते हैं, आज नहीं आए। वो क्या करते हैं? लाइटें बेचते हैं। लाइट नहीं समझ आई? लाइट और ब्लू। अच्छा, तो यही हुकूमत का इलेक्शन में नारा था, वादा था कि इन बच्चों को सड़कों से उठाकर स्कूलों में भेजा जाएगा। इनके वालदैन की जो हालात जिंदगी हैं, खतरे गुरबत का जो खाते दिखा सकते हैं आप? वो बच्चे दौड़ लगा देते हैं कैमरा देख के, वो देखें बच्चे, आपको हर तरफ छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। अब ये अलमिया है, आप तजावजात को देखने निकले
तो इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं, ये प्राइड है, फख्र है। टेबल आता है टू का, सुनाओ। टू वन द टू, टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू फोर द एट, टू फाइव द टेन, टू सिक्स द ट्वेल्व, टू सेवन द फोर्टीन, टू एट द सिक्सटीन, टू नाइन द एटीन, टू टेन द ट्वेंटी। वेरी गुड। बच्चा बढ़ता, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन है। लेकिन मजदूर पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी बन सकता है। अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते।